Let's introduce the one and only great SRK. Thank you very much. Love it. कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक ठाक हूँ. आप कैसे हैं? खैरियत है? I'm good. Thank you. Thank you. आखिरकार गौरव ने आर्यन को ढूंढी. I've got to say this. जो कैरेक्टर है गौरव का. जी. What do you think के you know आपने वो डर भी की है, अंजाम भी you know इन में से किसके करीब है? What do you think ये जो गौरव है? ये एक्चुअली दोनों ही कैरेक्टर से मिलता जुलता नहीं है. Really? Yeah, it's very different. Because वो I think अंजाम थोड़ा सा psychotic था. Okay. और I think even डर वाला कैरेक्टर ब्रिंक पे था. To be absolutely normal or not, I played it a little psychopathic actually. Yep. But ये ऐसा नहीं है. ये बहुत gentle है, बहुत sweet है. I really know that, sir. क्योंकि मैं ही तो हूँ. अब बाद में रिवील करेंगे. Let's keep the questions up first. Well, to be honest, Pakistan में बल्कि आप तो दुनिया में सबसे बड़े सुपरस्टार हैं. There's no doubt about it, ladies and gentlemen, boys and girls. But Pakistan में कुछ आपको ज़्यादा ही लोग प्यार करते हैं. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका पाकिस्तान में कितना प्यार करते हैं और मुझे वो फील भी होता है और मुझे मालूम भी है और एहसास भी है और आप जब बोले जो आपके साथ करना है मैं तैयार. मेकअप, गेटअप, थिंग्स लाइक दैट. It must be really tough. I know people could have asked you a question. ये वाला पूछा भी होगा लोगों ने, लेकिन आप मुझे बताएं क्योंकि मैं खुद भी कुछ इन चीजों से गुजरता हूँ. You know what I'm saying? Yeah, you know what I'm saying. So you know, I mean, we need to hear from you. इस पे आप कुछ बताएं? Yeah, it's a difficult job. As a matter of fact, we had this gentleman from America called okay. Mr. Greg Cannon. And the makeup would take about 4-5 hours to put on and then about an hour and a half to take off. And it was very hot and very sticky and extremely difficult. Then I had to lose a lot of weight for the film. So many times when I hear people say, अरे कितना पतला हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया. But it was very important because though I'm not too overweight, but I just felt if you're playing 25-year-old, you should have the लचक बोलते हैं, you should have a youthful body. So I had to lose weight for that. आप तो गौरव इस मूवी में बने हैं. मैं तो पता नहीं कितनी दफा गौरव बन चुका. भाई, do you really know कि मैं कितनी दफा गौरव बन चुका? ये, do you really know that? Oops, sorry, मैं कहीं और कह रहे थे. इतना बड़ा सुपरस्टार बैठा है, you know, इम्पैक्ट तो होता ही है. खैर, नहीं यार, जो कर रहे हैं वो भी ठीक. Thank you very much. When is Mr. SRK would come to Pakistan for the premiere of the movie himself? अभी तो मैं काम चला रहा हूँ. आपका भाई अभी प्लीज मेरी एब्सेंस के अंदर वहाँ पे आप हमारा झंडा गाड़ के रखिए और मुझे मिस ना करें वहाँ पे लोग. तो जहाँ पे भी मिस करें प्लीज पहुँचाएं थोड़े दिन के. प्रॉक्सी कर दे. यू आर मच बेटर देन मी, सो आई एम श्योर यू डूइंग अ गुड जॉब. पाकिस्तान वालों सुन लो, मैं तो चाहूंगा एक दो बार इंडिया में और लंदन में मेरी प्रेमियर्स हैं वो अटेंड कर लें आप मेरी जगह तो. सो बट या इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी I'll tell the producers, Yashraj Films. Though इसका मुझे पता नहीं प्रीमियर है कि नहीं है, but इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा जरूर तो कोई ना कोई फिल्म जरूर रिलीज करने. सर, मूवीज पे तो बात होती रहेगी. आपकी एक फिल्म में, वैसे तो सारी मूवीज मैंने देखी, but I remember कल होना, and उसमें एक डायलॉग था. अगर आप माइंड ना करें तो इस वक्त चूंकि मैं हूँ होस्ट यहाँ पे, तो मैं वो डायलॉग आपके साथ डिलीवर करना चाहता हूँ. जी आप बोले मुझे याद आएगा. तो आप एक बार बोलेंगे तो याद आएगा. आप नैना हैं. अच्छा. और मैं हूँ राज. अमूमन राज ही होता हूँ फिल्म. मुझे नाम भूल गया. राज ही होगा अगर कुछ और नहीं होगा तो. राइट सर, वो स्टेशन वाला सीन है. मैं आपको रोकता हूँ. मेरे हाथ में डायरी है. सैफ यहाँ खड़ा हुआ है. सैफ इज लाइक क्या मैं उसको. नैना, नैना ये सेल्फ बजा रहा है? नहीं सर, बैकग्राउंड. अच्छा, मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं. मैं जब अपनी आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं. मेरे मेरे नैना, मेरी नैना को मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा. मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा और शायद शायद उसके बाद. यार ये तुम जिसकी भी एक्टिंग कर रहे हो कमाल एक्टर है यार.
मैं फैन हो गया साकिर यार, मैं तुम्हारे लिए डायलॉग बोलता हूँ प्लीज। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओके। जब तुम पास नहीं होती तुम्हें चारों तरफ महसूस करता। ब्रिलियंट। मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते। ओके सर। इससे प्यार करो पागलपन या दिल की धड़कन एक ही बात, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूँ, मैं मरते दम तक प्यार करूँ और शायद उसके बाद। थैंक यू वेरी मच। उतना अच्छा नहीं कर सका जितना तुमने किया, ये बस डायरी नहीं थी ना। डायरी सर मैं आपको दे देता। कोई और सर डायलॉग अगर आप कहें, लेट्स डू इट टुगेदर। कौन सा अच्छा लगता है आपको, फैन का करें आप गौरव का करें, मैं आर्यन खन्ना का करता हूँ। तुम होते कौन ये सब करने वाले? आपका नंबर वन फैन? नहीं तुम फैन नहीं हो, ऐसा तो मत बोलो। ऐसा मत बोलो, लाइफ लाइफ रिस्क पे लगा दी आपसे मिलने के लिए। ऐसा तो मत बोलो, लाइफ रिस्क पे लगा दी आपसे मिलने के लिए। मुझे आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते? मुझे आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते। मेरी लाइफ मेरा टाइम, मैं तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों। गौरव नहीं तो आर्यन भी नहीं। Here we go. Thank you sir. Thank you very much sir. ये पहले पता होता ना यार, तुम इतनी मेहनत करता नहीं, तुमसे करवा लेता ये रोल। Seriously यार। नहीं सर अभी भी एक सर नेक्स्ट पार्ट टू के लिए। पार्ट टू के लिए आने। As a matter of fact मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लग रहा है, मेरे को डायरेक्टर ना निकाल दे और क्या तुम्हें ले ले पिक्चर के। Come on sir, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बोल दोगे ना मुझे रखे पिक्चर में? नहीं सर डेफिनेटली। कोई और एक और डायलॉग भी करता है किसी आपकी मशहूर मूवी का। डॉन कर वैसे तो सारी आपकी सारी मशहूर। डॉन लेट मी डू दिस। डॉन ओके डू डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस है। सॉरी, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सर, लेकिन एक बात समझ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। बहुत बहुत कूल है यार ये। Really? तुम्हारा डॉन का वर्जन बहुत ही कूल था, स्पेशली जो तुमने बाद में अपने बाल जो ठीक किया ना, सुपर एकदम। थैंक यू वेरी मच सर। डॉन 3 तो फरहान बनाने वाले हैं, तो उसमें तो आई जाना तुम प्लीज। फरहान प्लीज, आप सुन रहे हैं ना, द मैन हिमसेल्फ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा है, यू नो। खैर, आल्सो वी डू मूवी इंशाल्लाह नेक्स्ट, जो भी आपकी आएगी। फैन 2 में तो मैं कास्ट हो चुका हूं, आपने कह दिया है, बी इन द परफेक्ट कैरेक्टर। उसके अलावा फैन 3 भी होगी तो डेफिनेटली मैं ही हूं। एक बार आप आगे तो आपको निकालेगा कौन, फिर फैन पे फैन बनती रहेगी आपके साथ, रुकेंगे नहीं अब। फैन पे फैन, ऑलराइट सर, लेट्स सी। जैसे कि आपके पास टाइम नहीं और मेरे पास भी, चूंकि यू नो आपने देख तो लिया होगा, तो लेट्स रैप इट अप। एंड में आप अपने लाखों करोड़ों फैंस को कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तान में, और मेरे बारे में तो खैर आपने बता ही दिया, बट आपके जो रियल और भी जितने फैंस हैं उनको भी प्लीज अगर आप कुछ कह दें तो प्लेटफॉर्म आपके सामने मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, मैं सबके लिए दुआ करूंगा, प्रे करूंगा कि आप लोग खुशहाल रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन देयर, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड लव लाइफ। एंड इंशाल्लाह जितना प्यार आपने मुझे दिया है और उस प्यार की वजह से मुझे इतना जो कुछ मिला है, मैं दुआ करूंगा आपको उससे ज्यादा मिले। And thank you very much for making me the star. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, man. Very enjoyable. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.